एक मुख्यमंत्री के रूप में महामहिम जी की विदाई शायद वो सरकारी औपचारिकता का विषय हो सकता है, परंपराओं को निभाने का काम भी हो सकता है, लेकिन आज का यह समारोह उससे भी कुछ ज्यादा अधिक है, कुछ विशेष है। व्यक्तिगत रूप से मेरे मन को छूने वाला है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उच्च आदर्श क्या हो सकते हैं? संविधान की गरिमा को बनाते हुए व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सुचारू रूप से किस प्रकार की कार्यशैली हो सकती है? मैं मानता हूं गत 2-3 दशक में देश में जितने भी राज्यपाल हुए होंगे उन सबको अगर 32 साल पहले का नहीं कह सकता हूं, ज्यादा उतना ज्ञान भी नहीं था, समझ भी नहीं थी, लेकिन विगत 30 साल में देश में इस पद पर जितने भी लोगों ने दायित्व निभाया होगा उन सबके कार्यकाल, उनके सबके कार्यशैली और श्रद्धेय पंडित नवल किशोर शर्मा जी की कार्यशैली, मैं मानता हूं कि संविधान का शब्दशः पालन करते हुए, उसे प्राणवान रखते हुए, स्वयं को काफी दूर रखते हुए निरंतर 5 साल तक निभाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ऊंचाई हो तब संभव होता है और मैंने उस ऊंचाई को छूने। एक ही दल के मुख्यमंत्री हो, उसी दल की कुल गोत्र से आए हुए गवर्नर हो, उसके बावजूद भी हमारे देश में विवादों की कमी नहीं रही। ऐसे अनेक राज्य हैं, अनेक घटनाएं हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यहां दल, गोत्र, संविधान के बीच कभी आया नहीं और लोकतंत्र की ऊंचाइयों को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को की ऊंचाइयों को बरकरार रखते हुए किस प्रकार से उदाहरण रूप संबंधों को विकसित किया जा सकता है, राज्य और केंद्र के बीच कैसे सेतु बनाया जा सकता है, संविधान की मर्यादाओं को किस प्रकार से प्रखरता से लागू किया जा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण इन 5 वर्ष में मैंने अनुभव किया। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आज की बातें अपने मन की करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के रूप में मैं काफी कुछ सरकारी दायरे में बता सकता हूं। मैं अपने जीवन में मुझे जो भी संस्कार मिले हैं, सीखने को मिला है, एक घटना मुझे याद आती है आपातकाल की। इमरजेंसी में लोग जेलों में थे, मुझ पर वारंट था, मैं अंडरग्राउंड था और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मूवमेंट चल रही थी। मैं तो उसका सिपाही था, मेरा गोत्र था आरएसएस में, आरएसएस से बला रहा था, लेकिन इमरजेंसी उस काल में मुझे अनेक लोगों के साथ कार्य करने का जिंदगी में पहली बार अवसर आया। 20-22 साल की उम्र थी, दुनिया को समझने का आरंभ था और तब मैं कई गांधीयन विचारों से जुड़े हुए, सर्वोदय परंपरा से जुड़े हुए, जेपीवाद से जुड़े हुए अनेक लोगों के साथ निकट से काम करने का मुझे सौभाग्य मिला और वो कालखंड था जिसने मेरे जीवन में मेरी सोच के व्याप को बढ़ाने में, नए दृष्टिकोण से चीजों को देखने का मुझे अवसर दिया था। मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष
पंडित नवल किशोर शर्मा जी के पास रहते हुए मुझे वो सौभाग्य दोबारा मिला जिसने मेरे व्यक्तिगत विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सार्वजनिक जीवन में अनेक लोग हैं, सार्वजनिक जीवन में आने के अनेक अनेक कारण हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके कारण हमारा ध्यान आकर्षित होता है। हम जानते हैं कि आज सार्वजनिक जीवन में आने की परंपरा या तो जन आंदोलनों में से आना होता है या सत्ता पावर ग्लैमर इसके आप इर्द गिर्द चीजों की प्रेरणा से आना जाना होता है, लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन में आने का मार्ग उन दो पहियों से आगे बढ़ा होता है तो क्या अंतर होता है, मैं श्रद्धेय पंडित नवल किशोर शर्मा जी में अनुभव कर रहा हूं। देशभक्ति की लगन, देशदाज, भारत आजाद हो इस तमन्ना के कारण पारिवारिक दायरा छोड़कर के सार्वजनिक जीवन को स्वीकार कर रहा है। प्रेरणा देश की आजादी, देशभक्ति, और आजादी मिलने के बाद कार्य की प्रेरणा सामाजिक संवेदना, आजादी की प्रेरणा देशभक्ति की प्रेरणा जीवन को साहस दिया, जीवन को आगे बढ़ाने का झोंक देने के लिए तैयार किया, और सामाजिक संवेदना ने समाज के लिए कुछ कर मिटने की तमन्ना को जागृत किया। मैं जब श्रद्धेय पंडित नवल किशोर शर्मा जी की ओर देखता हूं, मैं अनुभव करता हूं कि आजादी की ललक से विद्यार्थी काल में महात्मा गांधी की उंगली पकड़ करके जीवन को खपा दिया, और आजादी के बाद सामाजिक संवेदना की प्रेरणा से दुखियारों के दुख को उसके आंसू पहुंचने की तमन्ना से जीवन को सार्वजनिक के जीवन में लगाए रखा, और ये एक संघर्ष का जीवन, दूसरा सृजनात्मक जीवन, और दोनों का मेल है जो पंडित नवल किशोर शर्मा को जन्म देता है। मित्रों, आज की राजनीति और मीडिया दोनों का नाता इतना सघन है कि सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति मीडिया के बिना जी नहीं पा रहा है। कोई पल ऐसी नहीं है कि वो नहीं चाहता है कि उसे न लोग देखे, न सुने, न पढ़े, हर पल उसकी एक ख्वाहिश रहती है। इतने लंबे काल के सार्वजनिक जीवन के बाद मैं पंडित नवल किशोर शर्मा जी से नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं मैं भी कुछ ऐसा सीखूं। मीडिया से प्रसिद्धि पाने के लिए एक अवसर नहीं, 5 साल में कहीं कोशिश नहीं, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा संयम होता है, तब संभव होता है। और उन्होंने अपने आप को उस रूप में रखा, और शायद आज जिस ऊंचाइयों को एक बेंचमार्क को रखकर के पंडित जी हमारे यहां से जाएंगे, गुजरात के सार्वजनिक जीवन के हर छोटे मोटे व्यक्ति को ये हमेशा हमेशा एक मिसाल के रूप में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, लोकतंत्र उसकी परिभाषा है, पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा उसकी व्याख्याएं, इन सबसे हम परिचित हैं। लेकिन मित्र, कभी कभी किसी चीज की ब्यूटी की अनुभूति सहज नहीं होती, उसके शब्द प्रभावित कर सकते हैं, उसके भाव आंदोलित कर सकते हैं,
उसके विचार प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उसके सौंदर्य की अनुभूति बहुत रेयर केस में होती है। मैं मानता हूं लोकतंत्र को जानने के बावजूद भी, लोकतंत्र को बुद्धि से समझने के बावजूद भी, लोकतंत्र की ब्यूटी का अनुभूति मुझे पंडित जी और मेरे संबंधों ने मुझे अनुभव कराई है, और लोकतंत्र की ब्यूटी को मैंने अनुभव किया है कि लोकतंत्र की ब्यूटी क्या होती है, उसका सौंदर्य, उसकी गरिमा क्या होती है, मैंने उनके पास सीखा है, अनुभव किया है। यानी व्यक्तिगत रूप से इस राज्य की धुरा को चलाने में एक पिता की तरह उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। शायद बहुत कम सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री होंगे जिनको गवर्नर ऐसे मिलते हो। और ये मेरे खोखले शब्द नहीं है, मेरे मन की अनुभूति। पंडित जी पदभार से तो मुक्त होंगे, वो व्यवस्था है, वो बंधारण के बंधनों से तो परे जाएंगे, संविधान की सीमा के बाहर निकलेंगे, लेकिन गुजरात के प्रेम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। गुजरात के साथ उनका नाता और अधिक गहरा बनेगा। आज गुजरात में हम जो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का गर्व कर रहे हैं, अगर उस बात के लिए मुझे किसी एक व्यक्ति को नमन करना है तो पंडित नवल किशोर शर्मा। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का उत्साह, निरंतर मार्गदर्शन, जिसके कारण इस काम को मुझे करने का आनंद आया। और ऐसी अनेक बातें हैं, और कभी कभी लगता है कि जब हमें कुछ संकट होते हैं, कुछ कठिनाइयां होती हैं, शारीरिक कोई क्षति होती है, तो ईश्वर अतिरिक्त शक्ति देता है। अगर आप को आंख नहीं है तो ईश्वर और ताकत देता है, अगर आपको पैर नहीं तो और ताकत देता है, आपको कोई आपत्ति आती है तो ईश्वर कहीं से मदद करता है। मित्रों, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हमेशा संकटों से घिरा रहता हूं, ईश्वर ने मेरी मदद क्या की। मुझे लगता है पंडित नवल किशोर ने मेरी मदद की, ईश्वर का प्रसाद। यह अनुभूति मैंने की है और इस अनुभूति को आज प्रकट करने का मुझे अवसर मिला है। मैं व्यक्तिगत रूप से जीवन भर उनसे जो सीखा हूं, एक पुत्र के रूप में सीखा हूं, एक शिष्य के भाव से सीखा हूं, और मुझे विश्वास है तो ऐसी शख्सियत है, ऐसी शक्ति है कि उन्होंने जो सिखाया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। हम सब शुभकामनाएं देते हैं, पूरा गुजरात उनको शुभकामनाएं देता है, वे आगे भी इस देश का मार्गदर्शन करते रहे, हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, हर समय हमें उंगली पकड़ के चलाते रहे। और कभी कभी हम भी सोचते हैं क्या हम 85 के होंगे तो इतना शारीरिक श्रम कर पाएंगे क्या, एक भी कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया 5 साल में। ये छोटी चीजें नहीं है। और हम हमेशा उनको हंसते हुए देखते हैं। आज जिस प्रकार से वो जिस वॉर्म्थ के साथ शेक हैंड कर रहे थे और आप सब तालियां बजा रहे थे, मैं मानता हूं भीतर की ऊर्जा एक सात्विक जीवन की लहर है जो प्रकट होती है। जो स्पर्श करता है उसको ज्यादा अनुभूति है, जो देखता है उसको अगर इतना वाइब्रेंट कर सकती है तो जिसे स्पर्श किया होगा इतना।